नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुल 1674 पदों पर होगी बहाली। इन जिलों के गांवों में बहाल होगी 4G इंटरनेट सुविधा। अब सभी जिलों में खोला जाएगा साइबर थाना। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब। अक्षरा ने बताया कैसा है उनके सपनों का राजकुमार। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुल 1674 पदों पर होगी बहाली। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुल 1674 पदों पर बहाली होनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि तकरीबन 21 साल बाद विश्वविद्यालयों में नए पदों का सृजन करने की सहमति दी है। इस पदों पर नियुक्ति अगले महीने से शुरू करने की तैयारी है। जिन नए पदों का सृजन किया गया है उनमें लिपिक से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक के पद शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले साल 2001 में शिक्षा विभाग ने लिपिक सहायक और निम्न वर्गीय कर्मियों के 2308 पदों पर सृजन किया था। जिन पदों पर बहाली होनी है उनमें सृजित पद और उनकी संख्या कार्यालय अधीक्षक के 47 पद, प्रधान लिपिक के 161 पद, प्रयोगशाला सहायक के 462 पद और सबसे अधिक लिपिक के 1004 पदों पर बहाली निकली है। अब सभी जिलों में खोला जाएगा साइबर थाना। जिस तरह से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, साइबर क्राइम उतने ही बढ़ रहा है। आए दिन लोगों के साथ अलग अलग मामलों में ऑनलाइन ठगी की जा रही है, उनका पर्सनल डाटा हैक कर लिया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार भी इसको लेकर सख्त हो गई है। इसको देखते हुए राज्य के हर जिले में अब साइबर थाना खोला जाएगा। फिलहाल मुख्यालय स्तर पर इस पर काम जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर DGP SK सिंघल ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम काम कर रही है, लेकिन अब साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। ECIL हैदराबाद ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने विभिन्न ट्रेड में ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के कुल मिलाकर 284 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन जिलों के गांवों में बहाल होगी 4G इंटरनेट सुविधा। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते क्रेज में बिहार के गांव भी अब इंटरनेट सुविधाओं में लैस होंगे। इसी कड़ी में बिहार के 207 गांवों में 4G सुविधा बहाल की जाएगी। फिलहाल बिहार के 14 जिलों के गांवों में यह सुविधा बहाल की जाएगी। इसमें राजधानी पटना के करीब 14 गाँव शामिल हैं, जबकि कैमूर जिले के सबसे अधिक 125 गाँव शामिल हैं। भारत सरकार के अंत्योदय विजन के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। जमुई के 13 गाँव, रोहतास के 14 गाँव, पटना के 11 गाँव, गया के 12 गांव और नवादा के 11 गांव शामिल हैं। इन गांवों में सरकार की ओर से जल्द ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G सर्विस को शुरू कराने की योजना है। इस क्षेत्र में बहाल की जाएगी 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर। देश सहित बिहार सरकार भी महिलाओं को कई सुविधा प्रदान कर रही है और यह सुविधा राज्य के हर एक गांव तक पहुंचे इसके लिए भी सरकार ठोस कदम उठा रही है। महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सके इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। इस ब्लू प्रिंट के तहत 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर करने की तैयारी चल रही है, जिन्हें सैलरी बेसिस पर रखा जाएगा। महिला कोऑर्डिनेटर प्रदेश और केंद्र की तमाम योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगी। इसमें ग्रामीण महिलाओं को महिला विकास योजनाओं की सविस्तार से जानकारी मिलेगी। डीजल के लिए अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में इस साल मॉनसून ने किसानों को खूब तरसाया है। पर्याप्त से कम बारिश होने की वजह से 35 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए डीजल की सब्सिडी का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 600 रुपये तक सब्सिडी देगी। धान के लिए अधिकतम 3 सिंचाई तक का लाभ किसान ले सकते हैं। वहीं इसके लिए बीते दिन 29 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य किसान बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट hbdtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे यदुनंदन शर्मा की। यदुनंदन शर्मा का जन्म 1896 में अरवल जिले के मंझियावा गांव में साधारण भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गांव टेकरी जमींदारी का हिस्सा था। उनके पिता की मृत्यु हो गई जब यदुनंदन शर्मा 3 साल के थे और उन्हें बहुत कम उम्र में एक चरवाहे के रूप में काम करना शुरू करना पड़ा। इस वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई और 1914 में ही साक्षर बनने की इच्छा से प्रेरित होकर वो बनारस चले गए, जहां उन्होंने वर्णमाला सीखी। बीए की डिग्री के बाद उन्होंने शिक्षा छोड़ दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 16 महीने की सजा सुनाई गई। उनका अधिकांश जीवन नेमतपुर गाँव के एक आश्रम में बीता, जहाँ से वो ब्रिटिश शासन और जमींदार के खिलाफ विद्रोह करते रहे। स्वतंत्रता के बाद एक बार उन्होंने गया जिले के मखदुमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वो वहां से हार गए। वहीं उनकी मृत्यु साल 1975 में हुई थी। इस साल VTR में बाघों की संख्या हो जाएगी 50 के पार। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का परिवार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब बिहार बाघों के मामले में पीछे हो गया था, लेकिन अब अगर प्रदेश में बाघों की संख्या की बात करें तो यह 50 से पार होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि VTR में साल 2018 से 2020 के बीच बाघों की संख्या 40 थी, लेकिन अब यह उम्मीद की जा रही है कि यह संख्या 50 से पार कर जाएगी। आपको बता दें कि VTR का हैबिटेट वन्य जीवों को काफी भाता है, इसके कारण यहां बाघों को आसानी से शिकार मिल पाता है। बीते दिन CM नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर 3 नर और 1 मादा शावकों का नामकरण किया, जिनका नाम केसरी, मगध, विक्रम और रानी है। श्रमिक के बच्चों को सरकार दे रही बड़ी सुविधा। बिहार के वैसे श्रमिक जो बीड़ी, चूना पत्थर, डोलामाइट, लौह, मैग्नीज, क्रोम, अयस्क खादान में काम करते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन श्रमिक के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे श्रमिकों और उनके आश्रितों के बच्चे को चिन्हित कर उनके नाम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए भेजने को कहा है। श्रम संसाधन विभाग ने केंद्र सरकार की स्कीम को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। 30 सितंबर तक संबंधित छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भेजा जाना है। यह लाभ पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक के छात्रों को मिलेगी। इस योजना के अधीन 1000 से लेकर 25000 रुपए तक की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अक्षरा ने बताया कैसा है उनके सपनों का राजकुमार। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में आमिर खान के साथ डांस करते हुए एक वीडियो भी उनका काफी वायरल हुआ था। वहीं अब अपनी शादी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद वो एक बार फिर से चर्चे में बनी हुई है। अक्षरा ने खुलासा किया है कि उन्हें कैसा पति चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शादी उसी से करूंगी जिसमें मेंटल लेवल मैच हो। मैंने जैसा खुद का वजूद बनाया है वो भी वैसा ही होना चाहिए, जिसने खुद मेहनत करके अपना वजूद बनाया हो। लेकिन अभी मैं काम कर रही हूँ, मेरे लिए अभी काम जरूरी है। मैं उस उम्र में नहीं पहुंची हूँ कि शादी कर लूँ। जब मेरे सपनों के राजकुमार को आना होगा वो आ जाएगा। बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में जारी मानसून के बीच मौसम विभाग कभी बारिश तो कभी सुखाड़ को लेकर अपडेट जारी कर रहा है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी खेती किसानी को लेकर क्या करें। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले एक सप्ताह में अगर मूसलाधार बारिश नहीं हुई तो इस बार किसानों का भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। शनिवार को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्व के भाग में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। वाहनों में VLTD और इमरजेंसी बटन लगाने की प्रक्रिया हुई तेज। केंद्रीय परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक ठोस कदम उठाया है, जिसके तहत बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और इमरजेंसी बटन लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दी है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाड़ियों में लगाए जाने वाले इस उपकरण के लिए 3 एजेंसियों का चयन किया गया है। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी सभी जिलों को दे दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। यहीं से सार्वजनिक परिवहन की सभी गाड़ियों, बस, कैब, टैक्सी की मॉनिटरिंग की जाएगी।
अपनी मांग को लेकर बीटेट अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बीते दिन एक बार फिर से बीटेट के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीटेट छात्रों ने यह प्रदर्शन जदयू कार्यालय के बाहर किया। बीटेट कैंडिडेट्स जदयू कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इन कैंडिडेट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने भी बीटेट कैंडिडेट्स ने जदयू कार्यालय के बाहर खूब बवाल किया था। उन्होंने मांग की थी कि सीटीईटी बीटीईटी के सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जल्द से जल्द भर्ती की जाए। जानकी स्थान और उर्विजा कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पश्चिमी छोर पर जानकी स्थान और उर्विजा कुंड है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उसके अंदर उर्विजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी स्थान के मंदिर में की गई। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की वही है जो कुंड की खुदाई के समय उसके अंदर से निकली थी। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब। सूचना क्रांति के इस युग में जहां इंटरनेट एक जरूरत बन चुकी है, वहां बिहार के लोग इसका लाभ उतना नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डाटा विश्लेषण कंपनी कांटार के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 61% लोग इंटरनेट के एक्टिव यूजर हैं, वहीं बिहार में महज 24% लोग ही इंटरनेट के एक्टिव यूजर हैं। इसकी वजह का सबसे बड़ा कारण कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता में कमी भी लोगों को इससे दूर रखने का कारण है। ऐसी स्थिति में देश के किसी हिस्से में इंटरनेट के एक्टिव यूजर का कम होना वहां के विकास की रफ्तार को धीमा कर सकता है। नेपाली नगर जमीन मामले में ईओयू ने जांच के लिए गठित की टीम। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की प्रशासनिक जांच शुरू है। आर्थिक अपराध इकाई ने इसके लिए टीम का गठन किया है। ईओयू की यह टीम गृह निर्माण समितियों के प्रमुख लोगों की न सिर्फ संपत्ति की जाँच करेगी, बल्कि उनकी कमाई के स्रोत को भी खंगाला जाएगा। यदि गड़बड़ी पाई गई तो संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस मामले में संलिप्त करीब 15 भूमाफिया का नाम सामने आया है। केस दर्ज होने के पुलिस टीम इन पर आगे की कार्रवाई करेगी। नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति से मिलेगी छूट। संविदा नियोजित कर्मियों को बिहार सरकार ने नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग में सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जाना। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा हर साल की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज दी जाएगी। संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्य अनुभव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये लाभ उन्हीं पद को दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया है। बिहार के सुदीप शेखर को मिला वैश्विक सीमेंट साइंस पॉलीमैथ्स अवार्ड। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इस बात का पता इसी से चलता है कि चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में बिहारी अपना परचम लहरा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के डॉक्टर सुदीप शेखर ने ऐसा बायोमेडिकल सेंसर बनाया है जो चिकित्सा जगत में क्रांति ला सकता है। यह सेंसर चिकित्सकीय जाँच को पहले से कहीं ज़्यादा तेज, आसान और सस्ता बना सकता है। इससे लोगों को पैथोलॉजी और अन्य जाँच पर आने वाले भारी भरकम खर्च से छुटकारा मिलेगा। शेखर को इस आविष्कार के लिए 2022 का वैश्विक सीमेंट साइंस पॉलीमैथ्स अवार्ड मिला है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले यह भारतीय मूल के पहले कनाडाई प्रोफेसर हैं। कंकड़बा के रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर सुनील कुमार सिन्हा के पुत्र सुदीप शेखर अभी ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उद्योग मंत्री ने की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की शुरुआत। बिहार में उद्योग के विस्तार के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उद्योग मंत्री ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 पोर्टल लॉन्च किया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसकी शुरुआत करते हुए बताया कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत बिहार में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवा उद्यमियों की सहूलियत के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। बिहार में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप को 10 लाख का सील फंड मिलेगा जो 10 साल ब्याज मुक्त रहेगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सीलरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है तो उसके लिए 3 लाख के अनुदान का प्रावधान है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी एंजल निवेशकों को निवेश प्राप्त करने में सफल रहती है तो सरकार की तरफ से 2% सक्सेस फ्री सफलता शुल्क के तौर पर दिया जाएगा। आरसीपी सिंह की सभा में बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होगा लगा नारा, जेडीयू ने दिया जवाब।
बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह इन दिनों प्रदेश में अपने समर्थकों के बीच में जा रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो ये नारा भी लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में एक नेता और उन्हीं के विचार और पॉलिसी पर पार्टी चलती है, इसलिए और कोई क्या बोल रहा है उससे पार्टी को कोई असर नहीं होने वाला है। जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। आरसीपी सिंह को जदयू की तरफ से राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद तलखी देखी जा रही है। पप्पू यादव को इस मामले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को दरभंगा न्यायालय के एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मामला आचार संहिता के उल्लंघन मामले का है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत यादव के चुनावी प्रचार में पहुंचे थे और समय बीत जाने के बाद पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर चुनावी सभा स्थल पर उतरा था। इसको लेकर उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था, जिस पर वो पहले से जमानत पर चल रहे थे। वहीं बीते दिन दरभंगा न्यायालय के एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट के जज प्रथम दीपक कुमार ने उन्हें राहत देते हुए इस मामले में जमानत दी है। जेपी नड्डा आज आ रहे हैं पटना। बिहार में भाजपा आज से 2 दिवसीय ऐतिहासिक बैठक करने जा रही है, जिसमें देशभर से भाजपा के सभी 7 मोर्चा के करीब 700 नेता और कार्यकर्ता आज से कल तक शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक के उद्घाटन समारोह में आज पटना आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज राजधानी पटना पहुंचकर रोड शो करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, जो 30 जुलाई और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्घाटन जेपी नड्डा ज्ञान भवन में दोपहर 4 बजे करेंगे। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को दी खुली चुनौती। चाचा भतीजे के रिश्ते के लिहाज से भले ही पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक दूसरे की इज्जत करते हो, लेकिन जब बात राजनीति के क्षेत्र में आती है तो इन दोनों चाचा और भतीजे में आए दिन बयानबाजी होती रहती है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे को रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान को खुली चुनौती दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सर्किट हाउस पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, जहां सबसे पहले चिराग पासवान द्वारा स्थापित रामविलास पासवान की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में भतीजे चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि वह आए या उनकी मां चुनाव लड़े, मैं तो एनडीए का उम्मीदवार हूं, देखते हैं चिराग किस दल से आते हैं, लेकिन किसी भी दल से आए जनता फैसला करेगी। राज्य में चल रहे केंद्र की योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का केंद्र सरकार ने मांगा हिसाब। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बिहार में खर्च को होने वाली राशि का केंद्र सरकार को पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, जिस प्रदेश के सभी राज्यों के सभी विभाग अपने यहाँ चलने वाले सभी CSS की पूरी अपडेट रिपोर्ट और खर्च का पूरा ब्यौरा अपलोड करेंगे। अब सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च का पूरा हिसाब किताब तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वेबसाइट का नाम PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है। बिहार में ऐसी 90 केंद्र की योजनाएं हैं, लेकिन अब तक केवल 49 योजनाओं की जानकारी विभागों में PFMS पर अपडेट की है। वहीं केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिन योजनाओं का हिसाब नहीं दिया जाएगा उनके लिए राशि जारी नहीं की जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई। साइना नेहवाल को 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न तथा सुनील छेत्री, झूलन गोस्वामी, राजीव तोमर, संदीप सिंह सहित 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। भारत में पावर ग्रिड की बड़ी खराबी के कारण 2012 में 30 करोड़ लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में 2012 को एक रेलगाड़ी में आग लग जाने से 32 लोगों की मौत हुई और 27 घायल हुए। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मभूषण सम्मानित मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 को हुआ था। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहास वक्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का जन्म 1923 को हुआ था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, बासुकी पंजियारा, विजय घायल, अतीक खान, कविता शर्मा, शिवम दिव्य कीर्ति, सुजाता पांडे, गौरव कुमार, श्वेता राय, प्रदीप, भान प्रकाश मौर्य, शकीम अली और उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा कैसी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।